जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो इसे दंगे भड़काने का नाम देती हैं। जावेद अख्तर ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट बहुत हो गया, अब सड़कों पे निकलने की बारी आ गई। हाँ तो एक काम करें ना, सबसे पहले खुद ही निकले, जनता जवाब अपने आप दे देगी उनको। दूसरों को आप अपीले करते रहते हो, एक बार खुद भी सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करो जनता के लिए। वो ऐसे मत आया करो सिक्योरिटी लेके आकर सीधा स्टेज पर बैठ जाते हो, जनता से दूर रहते हो। अगर आप जनता के बीच वाले लोग हो और जनता से इतना प्यार है तो बीच में आके दिखाओ, जनता बता देगी किसके सपोर्ट में है। लेकिन आओ पहले, लोगों को भड़काना बंद करो धर्म के नाम पर। मैं मानता हूं विरोध जरूर होना चाहिए, लोकतंत्र में हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन जब वो विरोध हिंसा हो जाए तो मुझे लगता है उसको शांत कर देना ही जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना इस देश की सरकार का काम है और सरकार उसमें पीछे नहीं रहेगी। आप कितना भी चाहे ब्लैकमेल कर लें इस सरकार को, ये सरकार उस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। एक्टर हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं, जब उनसे उनके लिए पूछा जाता है तो उसका तो जवाब उनके पास नहीं होता, पर उसके बावजूद भी परिणीति चोपड़ा ये कहती है कि एक और लॉ लाना चाहिए ऐसा जिसमें हम संविधान को पढ़ना छोड़ दें। वो संविधान के ऊपर उंगली उठाई, कभी आमिर खान की वाइफ ये बोलती है कि मैं हिंदुस्तान में सेफ फील नहीं करती। हो सकता है कि एक संविधान थोड़ा कम पढ़ा हो उन्होंने, क्योंकि समय कहाँ होता है इन लोगों के पास, काम बहुत ज्यादा होता है। संविधान नहीं पढ़ा है इन लोगों ने, अगर इन्होंने संविधान पढ़ा होता तो ये ऐसी बातें नहीं करते। मुझे लगता है जो भी इस देश की सबसे ज्यादा परेशानी, और ये मैं अपने साथ भी कह रहा हूं, अपने आप को इंक्लूड करके, हम लोगों को जजमेंट बहुत जल्दी देना होता है लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी होती। आप ये देखिए कि आप रिपोर्टर्स जा के लोगों से पूछ रहे हैं कि CAA क्या है, किसी को पता नहीं है। क्यों हो जी सड़कों पे, हम सेफ नहीं है, क्या एक्ट आया नहीं पता। यही हाल सेलिब्रिटीज का भी है, वो भी आप उनको बहुत ज्यादा खास मत समझिए, हालात उनके भी वही हैं। आप उनसे CAA के बारे में 5 मिनट बाइट मांग लीजिए, अगर वो दे दें तो मेरा नाम बदल देना आके, ये तय है। 2011 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था मजतबा हुसैन को, साहित्यकार उर्दू पत्रकार हैं वो, और अब वो अवार्ड वापस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी की सरकार है वो जो CAA लाई है वो विभाजनकारी है देश के लिए, इसीलिए हम अवार्ड वापस कर रहे हैं। मेरा पहला मानना है कि सिर्फ अवार्ड वापस ना करें, वो जो पैसे मिले थे वो भी वापस करें, एक चीज देश को जरूरत है। दूसरा, वो ट्रॉफी दे दे तो और भी अच्छा है, भारत सरकार को एक ट्रॉफी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेम प्लेट हटा के किसी और को दे देंगे, शायद अवार्ड गलत जगह गया था, ये तय है। अब रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में जो जामिया में अभी प्रोटेस्ट हुआ और जो पत्थरबाजी होती है पुलिस के ऊपर, उसके बाद उद्धव ठाकरे ये बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ किया वहाँ पे जलियांवाला बाग जैसी सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि हम इस देश में जैसे फौज को सम्मान करते हैं पुलिस वालों को करना चाहिए। उनसे परेशान मैं भी होता हूँ, मुझे भी जब सिग्नल पे परेशान किया जाता है मैं भी परेशान होता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईंटें उठा के मारना शुरू कर दूं उनको, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है। ये जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सबके पास 4-4, 6-6 पुलिस वाले हैं। आप इमेजिन कीजिए, वही पुलिस वाले अगर उन्हें पीटना शुरू कर दे तो कोई बचाएगा क्या उनको? नहीं बचाएगा। यही पुलिस अगर कहे कि नहीं हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? आप इनके खिलाफ भर भर के ट्विटर पे लिखते हो और जब घर से बाहर निकलते हो तो सबको बुलाते हो कि भाई मेरे को घेरा बना लो। मतलब ममता बनर्जी अपने ही क्षेत्र में, अपने ही स्टेट में रैली कर रही थी और मेरा ख्याल उनके चारों तरफ लाखों सपोर्टर थे और बराबर में 200 पुलिस वाले, तब भी उनको जरूरत पड़ी। अगर इतनी ही आप जनता के नेता हो तो हटा दीजिए पुलिस, बता देगी जनता आप किसके नेता हो। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, और राजनीति है मुस्लिमों का ठेकेदार बनने की। ओवैसी एक बयान देता है तो कांग्रेस को लगता है कि यार ये तो इसका वोट बैंक हो गया, वो दो कदम और बढ़ते हैं। कांग्रेस बयान देती है तो फिर लेफ्ट को लगता है हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, वो दो कदम और आगे बढ़ के बयान देते हैं। ठेकेदारी तय की जा रही है क्योंकि काम तो किया नहीं है, हमेशा इसी ढर्रे पर चलते आए हैं। काम किया होता तो इस तरह से हालात खराब नहीं होते। और दूसरी चीज, अभी ये सरकार 10 साल के लिए है, 6 साल अभी हुए हैं, 4 साल और हैं। इस देश में इस तरह से ये जो सारे डिसीजंस हैं, 3 तलाक से लेके, 370 से लेके, राम मंदिर से लेके, कैब से लेके और NRC तक, इन सारे के सारे मुद्दों का आधार कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों में रखा गया, लेकिन उनको डर इस बात का था कि अगर इसको हाथ लगाएंगे तो कहीं सत्ता ना चली जाए, कोई लोग गुस्से में ना आ जाए, कोई नाराज ना हो जाए। एक चीज बताइए, मेरे घर में अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ी परेशानी है, मैं क्या उसको साफ नहीं करूंगा या इंतजार करूंगा आसपास से दवाई? मैं उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढूंगा, और ये जो इन मुद्दों का निस्तारण हुआ है ये परमानेंट सोल्यूशन है। आपको आज नहीं तो कल ये करना ही था, क्योंकि ये इस देश की जरूरत थी। तभी तो आपने 1955 में, 1971 में इतनी अच्छी तरह से इन एक्ट्स को बनाया लेकिन पारित नहीं किया। और एक और चीज, NRC की जब बात चलती है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, 1971 में असम में राजीव गांधी जी के समय में, 81 में 2500 मुस्लिम, जब ये पैक्ट बनाया था, 84 तो यहां मरे थे, 2500 मुस्लिम 71 में असम में मरे थे क्योंकि वो लगातार हंगामा कर रहे थे इसके लिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मिल बैठकर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए,
अगर नहीं समझ में आता तो सरकार से बात कीजिए, नहीं समझ में आता तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको प्रॉपर्टी तोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं कहता हूं कम से कम हंगर स्ट्राइक करिए तो सही, भूखा रहना नहीं है। और कहेंगे कि हम देश की बात करते हैं, अरे भाई आइए आमरण अनशन कीजिए, थोड़ा तो आपके हेल्थ को भी पता चलना चाहिए। आप सुबह होके खा पी के बिल्कुल अच्छे मूड में आते हो, प्रॉपर्टी तोड़ते हो और वापस चले जाते हो, ये देश के साथ गलत है। अगर आपको किसी चीज में कोई इत्तेफाक नहीं रखते, आप उसे डिसएग्री करते हो, आप उसको पसंद नहीं करते हो, ये आपका हक है, लेकिन आप उस हक को हिंसा नहीं बना सकते, वो गलत है। क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि अगर कांग्रेस जो स्टूडेंट के पीछे छुपके वार कर रही है, कांग्रेस साफ क्यों नहीं कहती कि वो पाकिस्तान के लोगों को भारत में सिटीजनशिप देना चाहती है। मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान में और उन्होंने वहां जाकर ये कहा था कि देखिए मोदी जी को हटाना है, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। अब या तो वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान भी वोट करे हिंदुस्तान में आके, या फिर वो ये कह रहे होंगे कि मुझे पाकिस्तान में ले लीजिए, मुझे भी कोई पोजीशन मिल जाए तो बेहतर है। बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान परस्ती हमेशा से कांग्रेस की देखी गई है और ये कोई नई बात नहीं है, ये अभी का कुछ ऐसा नहीं है। जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद इस देश की सेना ने कहा था कि हम एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं, इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया। इसके बाद जितनी बार भी हमारे सेना के ऊपर हमले हुए, रिटेलिएशन के लिए इन्होंने कभी उनको परमिशन नहीं दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों में पाकिस्तान की तरफ इनका रवैया हमेशा सॉफ्ट रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। अब परेशानी इस बात की है कि वो पता नहीं पाकिस्तान उनके रिश्तेदार है, कौन है, क्या है। जब भी कोई पाकिस्तान को लेकर बात होती है तो उनको दर्द होता है, वो नेचुरल है, लेकिन ठीक है, अब होता रहे, क्योंकि ये सरकार तो सुनेगी नहीं आपको। आपको दर्द हो रहा है, आप जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे करें, लेकिन इस देश के हित में, राष्ट्र हित में, नेशन फर्स्ट के लिए जो भी पॉलिसी बनानी होगी ये सरकार इस 5 साल में बना के जाएगी। और ये तय है, आप इस बात को लिख लीजिएगा, 2019 से 24 का जो कार्यकाल है ये इस देश के आने वाले समय में, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, ये 5 साल इस देश के स्वर्णिम इतिहास में लिखे जाएंगे कि करीब करीब जितने भी बड़े मुद्दे हैं वो समाप्त हो रहे हैं। पर केजरीवाल जो दिल्ली में इतने हिंसा प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें केजरीवाल कहते हैं कि जो भी दंगे भड़कवा रहे हैं वो हम नहीं भड़कवा रहे, क्योंकि हमें इससे कोई फायदा नहीं है, वो सीधा सीधा बीजेपी पे नाम लगा रहे हैं दंगे भड़काने के। 1984 में सेंट्रल दिल्ली में सिखों को जा रहा था, जगदीश टाइटलर और इसके अलावा जो अभी कमलनाथ है मुख्यमंत्री एमपी के, वो यहाँ पर जाकर लोगों में, बंगला साहिब गुरुद्वारा के पीछे जाकर लोगों में डाल रहे थे और दो दो साल के बच्चों में। इस देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी वो बैठे हुए थे, इस देश के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने 10 बार इनको फोन किया, ये किताबों में है, 10 बार इन्होंने फोन किया इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, उन्होंने फोन नहीं उठाया। राष्ट्रपति भवन की लाइनें, टेलीफोन लाइनें काट दी गई और 3 दिन बाद आकर कहा गया कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और ये गलत हुआ। 4 दिन बाद अगर केजरीवाल आकर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बीजेपी करा रही है, तो भाई एक बात बताओ, आप ही का विधायक है अमानतुल्ला खान, आकर क्यों नहीं कहते कि जो ये बोल रहा है ये गलत कर रहा है, उसको क्यों नहीं रोक देते, क्यों नहीं बाहर कर देते। सीलमपुर की घटना में भी उन्हीं के विधायक का नाम आया है। ये ऐसा है कि घर में जाकर अपने बेटे को कहो कि बेटा जितनों को मारना है मारो, और बाहर आकर ये कहें कि नहीं यार गलत हुआ, ये नहीं सुनेगी। जनता समझती है और अच्छी तरह से जानती है, और यही वो प्रदेश है जहां पर मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है, पुजारियों को नहीं। तो इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, ये सबको दिखाई देता है। सर, अब सोनिया गांधी जब एक्ट बन चुका है, सीएए मतलब अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, उसके बाद सोनिया गांधी ये कहती है, राष्ट्रपति के पास जाती है, रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति के पास जाके ये बोलती है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इसे वापस ले लीजिए। देखिए मुझे लगता है उनकी तो परेशानी है, इस देश में 50 सीटों पर कांग्रेस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पिछले 70 साल में इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम तुष्टिकरण हुआ है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी और उनके दादाजी हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रहते थे। ये सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, ये सेक्युलर जो वर्ड है, ये 1975 में इस देश के संविधान में आया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इससे पहले भी इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रहते थे, हमेशा से रहते थे। लेकिन ये एक वो ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट और उसमें भी खासतौर पर मुस्लिम तुष्टिकरण किया है हद से ज्यादा, और उसको दिया है सेक्युलरिज्म का नाम। हिंदुओं के जहां राइट्स की बात आए, मेजोरिटी के जहां राइट्स की बात आए, उन्होंने कभी नहीं सुना। और इस देश के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था 2011 का मेरा ख्याल वो बयान था, 2013 का वो बयान था कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनका पहला अधिकार है इस देश के संसाधनों पर। तो फिर एक काम करिए ना, मेजोरिटी को एक काम कर दीजिए, जेनोसाइड ही करा दीजिए, रहने ही मत दीजिए इस देश में। मेरा मानना है कि सेक्युलरिज्म का सही मतलब ये है कि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके बराबर के हक होने चाहिए। जहां लॉ की बात है उन्हीं सब पे बीजेपी काम कर रही है। 370 में जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहां पे भी हमने यही काम किया। और मेरा तो इनसे एक सवाल और भी है, आज जिस तरह से इस देश की सारी यूनिवर्सिटी सड़कों पे हैं,
ये सारी यूनिवर्सिटीज तब कहाँ थी जब 1989 में इसी देश में कश्मीरी पंडितों को रातों रात जला दिया गया और अपने ही स्टेट से निकाल दिया गया, तब तो इन्होंने आवाज नहीं उठाई। आज ये आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के लिए। तो कश्मीर में जो पंडित मरे थे या जिनका जेनोसाइड हुआ था, ये उनके अपने नहीं थे? सिखों को जब इसी दिल्ली में मारा गया तो ये यूनिवर्सिटीज की आवाज क्यों नहीं आई? कोई नहीं बोला। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हिंदुओं के साथ बहुत बार ऐसा हुआ, कभी आवाज नहीं आई इनकी। मुझे लगता है इस देश में, इस देश के कानून के सामने, इस देश के संविधान के सामने हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड एंड कलर का है। लेकिन ये सिर्फ कागजों में नहीं रहना चाहिए, संविधान में और आगे दिखना भी चाहिए। आज ये सरकार अगर बात कर रही है तो सबकी बात कर रही है। सरकार अगर कहती है तो आप यही कहती है कि सब, आप सभी इस देश के नागरिक हैं और बाहर जिन नागरिकों का उत्पीड़न हुआ है वो देश में लाए जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई इसमें गलत बात है।